बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टॉप स्टाइल में फ्रॉक बनाना शेयर करूंगी, जो इंशाल्लाह बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। बड़ी सिंपल और आसान सी इसकी कटिंग है। तो टॉप बनाने के लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया हुआ है, ये मेरे पास लिलन का ये टू पीस सूट है, ब्लैक और टी पिंक कलर में। तो टॉप बनाएंगे हम, फ्लेयर जो इसका बनाएंगे वो ये प्रिंटेड बनाएंगे, और योक में इसके साथ ये सादी जो है ये ट्राउज़र के कपड़े की लगाऊंगी। मैं आपके साथ योक और टॉप की मुकम्मल कटिंग जो है वो शेयर करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये इस तरह से एक पीस जो है ये मैंने उतार दिया है, इसके हम बाजू बना लेंगे। ये मेरे पास कमीज़ का पीस था, इसके साथ ये जो मैं टॉप फ्रॉक है ये बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस कपड़े को ये देखें, इस तरह से मैंने फोर फोल्ड रखा हुआ है, ठीक है। फ्रंट और बैक साइड के लिए ये फोर फोल्ड है मेरे पास। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं शेयर करूंगी। और मैं ये जो टॉप बना रही हूँ, ये तकरीबन मैं बना रही हूँ 16-17 साल की बच्ची के लिए, 15 से 16-17 साल का जो स्मॉल साइज होता है हमारे पास, इस साइज़ का मैं बना रही हूँ। तो लंबाई देख लें, इसकी लंबाई है जो मेरे पास इस पीस की ये 30 इंच है। 8 इंच इसके ऊपर मैंने योक लगानी है। तो इस तरह से जो इसकी चौड़ाई है ये देखें, ये तकरीबन 22.5 इंच है, ठीक है जी। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो ये तकरीबन मेरे पास बांध के 36 इंच जो है, ये 35 से 36 जो लंबाई का इसका साइज़ होगा, तैयार होगी। तो करना आपने ये है कि इसकी कटिंग करनी है हमने अम्ब्रेला में, ठीक है। ये फोर्ड फोल्ड रखा हुआ है मैंने, आपको मैं फिर से बता देती हूँ। ये बंद साइड है मेरे पास, इस तरह से इस साइड से मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखें, जैसा मैंने आपको बताया 30 इंच मेरे पास इसकी लंबाई है। तो इस तरह रोंड में इसको घुमा के आपने ये 30 इंच पे रोंड में निशान लगाने हैं। इंचिस टेप को इस कॉर्नर पे आपने रखते हुए ये 30 इंच पर आपने ये निशान जो है ये यहाँ तक लगा लेने हैं। ये देखें, अब इन निशान को निशान के साथ मैच करते हुए आपने रोंड में निशान लगाना है। ये मैंने रॉड में निशान लगा लिया। अब हम आ जाएंगे ऊपर वाली साइड से। तो इसी तरह से बंद साइड से आपने ये देखे, इस तरह से जितना कमर का साइज़ है इधर आपने कमर का निशान जो है वो लगाना है। तो कमर का साइज़ है जो मेरे पास वो 18 इंच है, तो ये मैं 10 इंच रखूँगी, ठीक है। इस तरह से 18 इंच का हाफ 9 इंच और 1 इंच ये मैं सिलाई और ये कटिंग का मार्जिन, ये निशान मैंने लगा लिया 10 इंच पर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 8 इंच मैंने योक रखनी है इसकी। ये देखें, ऊपर से ये 8 इंच जो है इंची स्टेप को बाहर की तरफ निकालेंगे, और योक की जो लंबाई होती है ये तकरीबन 14 से 15 इंच होती है, तो मैं इसकी लंबाई 14 इंच रखूँगी। तो 1 इंच ज़्यादा पे ये देखें जो हमारा सिलाई का मार्जन होगा, ये मैंने 8 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के ये 15 इंच पर निशान लगा लिया है। इस निशान को सीधा हम स्ट्रेट करेंगे स्केल की मदद से। इस निशान को इस तरह से ये मैंने स्ट्रेट लगा लिया। अब आपने ये करना है कि ये जो निशान मैंने ये रोंड में लगाया हुआ है, देखिए इस तरह से, इस साइड से अब आपने इसको गुलाई में निशान लगाना है। ये जो निशान मैंने यहाँ 15 इंच पे लगाया, तो बस ये बिल्कुल सिंपल सी ये कटिंग है टॉप की। ये बड़ा खूबसूरत ये जो है टॉप बन के तैयार होता है। तो इन निशान के ऊपर अब हम कटिंग काट लेंगे जी। इस तरह से ये बड़ी सिंपल सी कटिंग हो गई है। इस बचे हुए पीस से आप योक भी बना सकते हैं। बाजू जो है वो जो पट्टी साइड से उतारी है उससे बनाएंगे। अब मैं आपके साथ इसकी योक की कटिंग शेयर करती हूँ।
जी तो कटिंग हो गई है, इन पीस को साइड पे करेंगे। तो अब मैं आपके साथ इसकी योक की कटिंग करती हूँ। उसके लिए आपने ये करना है कि इसको आपने अपने सामने इस तरह से सीधा रख लेना है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि योक मैंने इसकी 8 इंच लंबाई इसकी मैंने रखनी है योक की, तो इस तरह से ये एक पीस जो है ये मैंने तकरीबन 10 इंच लंबाई वाली साइड पे लिया हुआ है। और इसकी चौड़ाई मैंने इतनी ले ली है जितना यहाँ पे मैंने ये देखें इस तरह से, ये देखें बिल्कुल इसके बराबर कमर का रखा हुआ था, ये देखें जी ठीक है इस तरह से। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से जितना आपके पास साइज होगा इसके ऊपर आपने निशान लगा के तो योक के लिए कटिंग कर लेनी है। मेरे पास जो तीरे का साइज़ है तकरीबन 13.5 इंच है, तो ये 14.5 इंच पे इस तरह से ये 1 इंच ज़्यादा रखते हुए इधर मैं एक तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी। कंधा तकरीबन इसका मुझे 8 इंच चाहिए, तो उसके लिए ये जो तिरछी लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये ऊपर वाला कपड़ा इस तरह से छोड़ के तो ये 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से ठीक है। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा के बस आपने ये करना है कि ये राउंड में आपने ये निशान लगा के तो कंधे की कटिंग कर लेनी है। तो ये कंधे की कटिंग हो गई है, अब लगाएंगे हम चेस्ट के लिए निशान। तो उसके लिए ये देखें इस तरह से ये तकरीबन 19 इंच मुझे इसकी चेस्ट चाहिए, तो ये तकरीबन ये देखें 9.5 इंच पे इस तरह से ये निशान लगा के तो यहाँ मैं एक छोटा सा कट लगा लूंगी जी। तो ये बिल्कुल सिंपल और आसान सी कटिंग जो है ये टॉप फ्रॉक की मैंने आपके साथ काट दी है शेयर, ये देखें जी ये देखें इस तरह से ठीक है। सिलाई भी इसकी बहुत सिंपल सी है, कोई चुनर्स वगैरह इसमें नहीं आएंगे। बस आपने सिंपल तरीके से जो योक को ये फ्लेयर वाले कपड़े के साथ इस तरह से अटैच करके ऊपर कोई भी गला बना के बाजू अटैच कर लेने हैं। मैं इसकी सिलाई करके आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। टॉप मैंने सिलाई कर लिया, देखें ये इस तरह से बिल्कुल सिंपल सी इसकी सिलाई है। गला जो मैंने इसका बनाया है ये इस तरह राउंड में बिल्कुल सिंपल गला बना के, तो ये जो उस तरह से ये मैं गले में पाइपिंग लगा के मैंने तो ये 3 बटन इसके साथ अटैच कर दिए हैं। बाजू मैंने इसके कुछ इस तरह से बनाया, बाजू की लेंथ मेरे पास कम हो रही थी तो ये सेंटर में तकरीबन 4 इंच जो है कपड़ा डाल के तो इसके आगे ये लैस और पट्टी लगा दिया मैंने। इससे बाजू भी थोड़े जो स्टाइलिश से बन के तैयार हो गए हैं। तो आप देखें इसका फ्लेयर देखें और इसकी शेप देखें माशाल्लाह से इस तरह से कितनी अच्छी है, देखें इस तरह से ये इसकी लुक आ रही है। इस तरह से ज़रा देखें इसको चेक करें पहनने से इसकी कितनी अच्छी लुक आएगी। मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक जो है वो चेक करवाती हूँ, देखें यार पहनने से ये इसकी कितनी अच्छी ये फॉल जो है ये आएगी। पहनने से इसकी फाल कुछ इस तरह से आएगी और ये पहना हुआ बड़ा खूबसूरत और स्टाइलिश सा ये टॉप लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।